नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व पांडे। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइमलाइन की। दोस्तों, टाइमलाइन को समझने से पहले हमने अब तक जितना कुछ सीखा है उसको एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइनल कट प्रो एक्स को ओपन करता हूं। आप देख सकते हैं FCPX ओपन हो चुका है। अनटाइटल नाम की एक डिफॉल्ट लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू लाइब्रेरी को क्रिएट करूंगा। तो न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए मैं फाइल में जाके न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी का नाम चेंज कर सकते हैं। यहां पर से आप ब्राउज कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइब्रेरी को कहां पे सेव करना है। दोस्तों, अब अगले स्टेप में हमें इवेंट क्रिएट करना है। तो इवेंट क्रिएट करने के लिए मैं फाइल में जाके न्यू इवेंट पे क्लिक करूंगा। इवेंट को हम लोग नाम देते हैं टाइमलाइन का। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हमारा इनेबल है। इसको मैं इनेबल ही रहने देता हूं। मेरी वीडियो का फॉर्मेट 1080p है, रेजोल्यूशन 1920x1080 और फ्रेम रेट 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसको भी मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरी लाइब्रेरी के अंदर टाइमलाइन नाम का एक इवेंट क्रिएट है और उसके अंदर अनटाइटल प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है। इस अनटाइटल प्रोजेक्ट को मैं रीनेम कर सकता हूं। आप चाहे तो ये जो अनटाइटल लाइब्रेरी है इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए आप अनटाइटल लाइब्रेरी को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और क्लोज लाइब्रेरी कर दीजिए। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको मीडिया फाइल को इंपोर्ट करना है। तो मीडिया फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैं कमांड आई का इस्तेमाल कर सकता हूं या फिर मैं फाइल में जाके इंपोर्ट मीडिया भी क्लिक कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है। आप चाहे तो कनेक्टेड कैमरा से मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कनेक्टेड डिवाइसेस से मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप एप्पल की इंटरनल हार्ड ड्राइव से भी मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, साथ में ही कुछ वीडियो के सैम्पल्स हैं और यहाँ पे स्टिल फोटोज हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल फाइल को एक साथ इंपोर्ट करना है तो मैं कमांड की को प्रेस करूँगा और जो जो क्लिप मुझे इंपोर्ट करनी है मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी मीडिया फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ये जो एरिया है इसको हम लोग टाइमलाइन बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। आप लोग जितनी भी एडिटिंग करेंगे वो इसी एरिया में करेंगे। फाइनल कट प्रो एक्स में आपकी मैग्नेटिक टाइमलाइन होती है। तो देखते हैं ये मैग्नेटिक टाइमलाइन किस तरह से काम करती है। अगर आपको अपनी मीडिया फाइल को टाइमलाइन में डालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मीडिया फाइल को सेलेक्ट कीजिए। जब भी आप किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक येलो हाईलाइट उस मीडिया क्लिप को सराउंड कर रही है। इसका मतलब आपकी ये वाली क्लिप सेलेक्टेड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस मीडिया क्लिप को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। एक और मीडिया फाइल को हम लोग टाइमलाइन में डालते हैं।
इसके अलावा आप मीडिया फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके आप अपनी मीडिया फाइल्स को टाइमलाइन में डाल सकते हैं, लेकिन जनरली इनका यूज नहीं होता है इन ऑप्शंस का। रीजन बीइंग, ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे आसान तरीका है अपनी मीडिया फाइल्स को टाइमलाइन में डालने का। आप चाहे तो आप अपनी टाइमलाइन की मीडिया फाइल्स को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं मीडिया फाइल का प्रीव्यू हो रहा है, और स्पेस बार से ही मैं इसको पॉज भी कर सकता हूं। अब सपोज अगर आपको अपनी टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट करना है तो ये काफी आसान है। आप कमांड माइनस शॉर्टकट की यूज करके अपनी टाइमलाइन को छोटा कर सकते हैं, या फिर आप कमांड प्लस करके अपनी टाइमलाइन को बड़ा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, आप कमांड माइनस करके अपनी टाइमलाइन को जूम इन कर सकते हैं और कमांड प्लस करके अपनी टाइमलाइन को जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन या फिर जूम आउट करने से आपकी क्लिप की ड्यूरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहां से भी आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। यहां पर से भी आप क्लिप के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। यहां पे इफेक्ट ब्राउजर का पैनल है, इसकी अभी कुछ जरूरत नहीं है तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। तो दोस्तों आखिर ये मैग्नेटिक टाइमलाइन क्या है, तो देखते हैं मैग्नेटिक टाइमलाइन किस तरह से काम करती है। आप देख रहे हैं मेरी टाइमलाइन में तीन मीडिया फाइल्स हैं। अब अगर सपोज मुझे इस वाली क्लिप को अपनी फर्स्ट क्लिप और सेकंड क्लिप के बीच में डालना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये वाली मीडिया फाइल खिसक कर अपने राइट साइड में आ गई है। फिर से देखते हैं, अगर सपोज मुझे इस वाली मीडिया फाइल को इन दोनों मीडिया फाइल्स के बीच में लाना है तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा, जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ही मेरी साइड वाली क्लिप खिसक कर यहां आ चुकी है। अगर सपोज मुझे इस वाली फाइल को यहां पे डालना है तो मैं इसको यहां पर ड्रैग करूंगा तो यहां से ये वाली मीडिया फाइल खिसक कर इस तरफ आ जाएगी। तो ये मैग्नेटिक टाइमलाइन का फीचर आपको सिर्फ फाइनल कट प्रो एक्स में ही मिलता है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। अगर आपको अपनी इस क्लिप के ऊपर कोई इमेज या फिर कोई और वीडियो फाइल चलानी है तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सपोज मुझे इस फाइल के ऊपर एक इमेज डालनी है तो मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा और ड्रैग करके इसको इस क्लिप के ऊपर डाल दूंगा। मैं चाहूं तो ये जो मैंने क्लिप ऊपर से डाली है इसको रिसाइज कर सकता हूं और साथ में ही इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकता हूं। तो इस इमेज को रिसाइज और इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं इसको रिसाइज करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूं। फिर से देखते हैं, अगर सपोज मुझे इस वाली मीडिया फाइल के ऊपर ये वाले इमेज डालना है तो मैं इस इमेज को यहां पे लाऊंगा और इसको रिसाइज और इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। अपनी टाइमलाइन को जूम इन करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये डार्क है और इसके ऊपर और नीचे का एरिया लाइट है। तो ये जो डार्क एरिया है ये हमारा मास्टर ट्रैक है। तो मास्टर ट्रैक किस तरह से काम करता है इसको देखते हैं। अगर हम मास्टर ट्रैक के ऊपर या फिर नीचे कोई भी क्लिप डालेंगे तो वो हमारे मास्टर ट्रैक की क्लिप के साथ अटैच हो जाएगी। देखते हैं कैसे। सपोज मुझे अपनी इस फाइल के ऊपर एक वीडियो डालनी है
इसको रिसाइज करते हैं और इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। और अपने मास्टर ट्रैक के नीचे मुझे एक ऑडियो फाइल डालनी है, तो ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करते हैं और इसको इसके नीचे डाल देते हैं। तो ये जो हमारा मास्टर ट्रैक के क्लिप है, इसके ऊपर की क्लिप और इसके नीचे की क्लिप हमारी मास्टर क्लिप के साथ अटैच हो जाएगी, हमारे मास्टर ट्रैक में जो क्लिप है उसके साथ अटैच हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी क्लिप है ये इसके साथ अटैच है, साथ में नीचे वाला ऑडियो फाइल भी इस क्लिप के साथ अटैच है। तो देखते हैं ये किस काम आता है। अगर सपोज मुझे इस वाली क्लिप को यहाँ पे डालना है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी इस क्लिप के साथ साथ इसके ऊपर जो क्लिप थी और उसके जो नीचे क्लिप थी वो भी शिफ्ट हुई है। फिर से देखते हैं, अगर मैं इसको ड्रैग करके यहां पे लेकर आऊंगा, तो आप देख सकते हैं अभी भी मेरी जो ऊपर वाली क्लिप है और जो मेरी नीचे वाली क्लिप है वो इसी मीडिया फाइल के साथ अटैच्ड है। अब अगर सपोज मैं इस मीडिया फाइल को डिलीट करता हूं, तो आप देख सकते हैं उसके साथ साथ जो उसके ऊपर वाली क्लिप थी और उसके जो नीचे वाली क्लिप थी वो भी डिलीट हो चुकी है। अंडू करते हैं इसको, कमांड जेड से मैंने अंडू किया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नीचे वाला जो आपका मास्टर ट्रैक में क्लिप है सिर्फ वो ही डिलीट हो, जो उसके ऊपर है और जो उसके नीचे है वो डिलीट नहीं हो, तो आपको ये जो ऊपर क्लिप है इसको शिफ्ट करके दूसरे क्लिप में लाना होगा, साथ में ही आपको ऑडियो फाइल को भी दूसरी क्लिप में शिफ्ट करना होगा, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन पॉइंट और आउट पॉइंट की। अगर सपोज आपकी कोई फुटेज काफी बड़ी है और उस फुटेज में आपको सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ही टाइमलाइन में डालना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो सपोज मेरे पास ये एक क्लिप है, इसको मुझे सिर्फ स्टार्टिंग से लेके यहां तक का ही मुझे ये क्लिप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट में आई प्रेस करूंगा और जहां तक मुझे फुटेज चाहिए मैं वहां पे जाके ओ प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये येलो हाईलाइट हमारा सिलेक्टेड एरिया है, तो सिर्फ क्लिप का यही पोर्शन हमारी टाइमलाइन में आएगा। चेक करते हैं। ऐसे ही सपोज अगर आपको बीच में से क्लिप का पोर्शन चाहिए, तो आप यहां पे इन पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आप आउट पॉइंट लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये इतना एरिया सेलेक्ट हुआ है और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे टाइमलाइन के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइमलाइन में एडिटिंग किस तरह से होती है। धन्यवाद।